आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आप सभी का क्लास चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज का, ठीक है। और पहला पार्ट मैंने बहुत बारीकी से आप सभी को समझा दिया है और ये क्लास जो मैं आपको करवा रहा हूं ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए नहीं करवा रहा हूं, जो भी पढ़ने में कमजोर है ना मैं उनके लिए क्लास करवा रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम पर क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। और मैंने आपको पहले क्लास में बहुत बारीकी से समझाया है कि क्वेश्चन को स्पीड से कैसे किया जाता है, कैसे टैकल करते हैं। वो वीडियो आप सभी देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एक जो बहुत जन बोल रहे थे भैया कल के क्लास में आपने नहीं लिखा था कल क्लास कितना नंबर था, तो कल आपका 25 नंबर क्लास था मैथ का, आज जो क्लास है 26 नंबर क्लास है। और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं ना रात को 1:30 बज रहा है, और क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कल वाला वीडियो आज सुबह को 11:30 बजे आप सभी को मिल जाएगा और शाम को 6 बजे भी आपका मैथ क्लास होगा। और मैं देख रहा था रेलवे का जो पेपर आया ना 2019 में, उसमें एकाध दो क्वेश्चन इतना हार्ड पूछा गया है ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रेलवे में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2019 में। तो वो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किस्त वाला आ रहा है, इंस्टॉलमेंट वाला, तो वो वीडियो आपको शाम को 6 बजे आज मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये 3 वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे भैया चक्रवर्ती ब्याज में हम लोग बहुत कुछ सीख लिए। अगर आप बोलोगे भैया कल का वीडियो कौन देखेगा उतना टाइम नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गया। फिर आप देखते रहना 1 महीना 2 महीना, टाइम ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, लेकिन आपको अगर लगता है नहीं यही पल है कि मुझे क्वेश्चन करना है और आने वाला जितना भी एग्जाम है, बस रेलवे नहीं एसएससी हर एग्जाम में मुझे क्वेश्चन मिलता है इसका, अगर आप सीख लिए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर आपको आंसर देना है जल्दी जल्दी, और कल की क्लास देखने के बाद आंसर बहुत स्पीड से मिलना चाहिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर भी मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन है और टाइमर आपका स्टार्ट होता है, ट्राई करना, विश्वास मानो बिना पेन पेपर का, विश्वास कसम से पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा अगर कल का क्लास देखें तो। इस क्वेश्चन के लिए बस ऑप्शन देखना है, ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दूंगा, क्या फेंक रहे हो भैया। आप कल का क्लास देखो जो मैंने आपको सिखाया है, ऑप्शन ले लीजिएगा, ए 15,000, बी 8,000, सी 10,000 और डी आपका 8,500। 30 सेकेंड काफी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, अगर कल का क्लास देखे हैं तब देख लेना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिए। टाइमर खत्म हो गया 30 सेकेंड का। देखो इतने बोलते बोलते में आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है आपको चक्रवर्ती ब्याज, आपको मूलधन बताना है, क्या बताना है आपको, यहां पर बताना है मूलधन। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन आपसे पूछ के आ रहा है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ध्यान से समझो। यहां पर ऑप्शन मैंने आप सभी को गलती दिया था, लेकिन फिर भी बहुत जन ऑप्शन में से आंसर कर रहे होंगे, पता है इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है आप ट्राई नहीं करते, आप डायरेक्ट ऑप्शन देखकर आंसर मारते हैं। देखो मैं आपको बता क्या रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, आप बैंक में कुछ पैसा लेकर गए, ठीक है, बैंक में कुछ पैसा लेकर गए और बैंक वाला को जो है वो ब्याज कितना देना था, ब्याज देना था आपका 12.5%, इस पर आपको ब्याज देना था, लेकिन बैंक वाला क्या किया, इसके जगह पर आपको ये नहीं देकर 16.66% के हिसाब से ब्याज दिया, यानी देना इतना था लेकिन दे कितने पर दिया, इतना। इसके वजह से क्या हुआ, आपको ब्याज के रूप में 550 रुपए जो है वो अधिक मिल गए। तो आपको बताना है कि मूलधन है कितना, कितना आसान है, आप देखो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया इसको फ्रैक्शन में 1/8 लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है, दोबारा बता दे रहे हैं। देखो 12.5% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होता है, नीचे 100 लगाते हैं और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे, 125,000 से कितने बार में कटेगा, 1/8 बार में, यानी ये बोलो या 1/8 बोलो एक ही बात है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/6 बोल सकते हैं,
अब तो हमें कुछ मूलधन मानना पड़ेगा ना। तो मूलधन हम क्या, हम आपको पहले क्लास से समझा रहे हैं, जो नीचे वाला होता है वो हमारा मूलधन होता है। तो कुछ तो मूलधन आपको मिलाना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को गुना करिए, कितना होगा आपका 48 होगा, 48। और समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है आपका 2 साल। समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है हमें 2 साल का। अब नीचे वाले को गुना किए तो क्या हुआ 48। आपको मैंने क्या बताया था, अगर 2 साल के हो, 2 साल के लिए हो तो जो भी प्रिंसिपल होगा वो उसका वर्क करेंगे। अगर 3 साल होता तो क्या करते, इसका घनमूल करते, लेकिन 2 साल है तो क्या करेंगे, 48 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 48 का स्क्वायर क्या होता है, 2304 होता है। मैंने आपको वर्ग निकालना बहुत स्पीड से बताया है, कितना होगा 2304। ध्यान से समझना मेरी बातों को, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अब देखो 2304 पर, 2304 पर अगर एक बट इसके हिसाब से देखें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, अगर यहीं पर 2304 पर 2 साल के लिए इसके हिसाब से देखें तो ब्याज कितना मिलेगा। पहले आप ये दोनों निकाल लो। आप बोलोगे भैया ये तो आसान है हमारा, अगर 2304 पर निकाल ले जाए तो इजिली हमारा निकल सकता है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल निकल सकता है। अगर इस पर देखें 1/8 के हिसाब से तो पहले साल हमें ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको पता करना है। ध्यान से, गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस पर कितना करेंगे, तो इस पर करेंगे 1/6 के हिसाब से। क्लियर, यहां पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 8 × 16 और कितना आएगा आपका 70, 88 और पूरा कट जाएगा आपका 288। यानी पहले साल ब्याज इतना मिलेगा इस पर हमें, इसके हिसाब से इस पर कितना मिलेगा, दूसरे साल भी इतना मिलेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है ना, आपको पहले क्लास में मैंने आपको बारीकी से समझाया है ये चीज। अगर 288 का 1/8 करेंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिलेगा, तो आप देखेंगे 8 × 3 = 24, ठीक है 48 उतरेगा, फिर आपका 36। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गया, होगा 88, 8 × 3 = 24 और 36 कितना हुआ आपका 64, ठीक है 384, 36। क्लियर, यानी इतना ब्याज हमें मिल रहा है। ये कितना हो रहा है 28, 28, 56, 8, 8, 16, 36, 612 रुपया हमें ब्याज मिला। इस पर कितना मिल रहा है 106 के हिसाब से ये निकाल लो, 6 × 3 = 18, 5 बचेगा तो जाहिर सी बात है आपका 50 होगा तो आपका 8 बार में जाएगा, फिर आपका कितना उतरेगा 24, 384। यहां पर भी दूसरे साल भी 384 मिलेगा। अब इस पर ब्याज के ब्याज ऊपर 1/6 के हिसाब से कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे भैया मिलेगा हमें 36 और आपका 24, 64। ये कितना ब्याज मिला इसके हिसाब से, तो आप बोलेंगे 38, 72, 6 यानी 832। यही पर आप सभी को समझना है बहुत बारीकी से कि यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप देखो अगर इतना मूलधन था तो 1/8 के हिसाब से 2 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, और इतना अगर मूलधन था तो इसके हिसाब से इतना ब्याज मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, हमको मिलना ये चाहिए था लेकिन मिला क्या ये, तो यहां पर ज्यादा मिल कितना रहा है पहले आप वो निकाल लो ना। तो क्लियर नजर आ रहा है 12, 12, 2 से 2 गया 10, यानी 220 रुपया हमें जो है वो ज्यादा मिल रहा है, बोल सकते हैं ना। और सवाल में ज्यादा कितना मिल रहा है, तो 550 रुपया, यानी जो ये 220 है वो 550 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से 0 गया, यहां से 0 गया, 22 11 से काटो 2 जो है वो 5 के बराबर है। तो जो ये मूलधन हम पकड़ कर चले हैं ये कितने के बराबर होगा, अगर 2, 5 के बराबर है तो 2304 कितने के बराबर होगा। तो ये 2304 कैसे बन सकता है 2, तो आप क्लियर कर लो, 2 जाएगा आपका 11 बार में और यहां पर 1152 यानी 1152, ठीक है कितने बार में गया 1152, 2 का मतलब 5। यहीं पर समझना है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 2 = 5 हो गया, 2 = 5 हो गया, तो 2304 का मान क्या है, इस 2 को 2304 कैसे बना सकते हैं, अगर भैया 2 को गुना किया जाए इससे तो 2304 बन सकता है। किससे गुना किए, इससे
तो 5 को अगर गुना करें 1152 से तो कितना बनेगा? आप बोलेंगे 5500 और 200, यानी 5760, यानी मूलधन हमारा कितना है 5760। आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। कल का क्लास देख लेना मैंने आपको क्या समझाया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है और इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है, इसका आंसर आप सभी को देना है। आराम से समझना, सवाल में कुछ नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। चलो इसका आंसर आप सभी को देना है जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर भी आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर 12,000 हमारा मूलधन हो तो 1 साल 6 महीना में 20% के हिसाब से क्या होगा, अगर कंपाउंड हाफ ईयरली हुआ तो। ये आपको समझना है इस क्वेश्चन में, कितना आसान क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो। चलो इसका आंसर आप सभी बताएंगे, आप सभी के पास और आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आराम से बता चुके हैं एक एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या बनता है। चलो 1 साल 6 महीने का टाइम है आप सभी के सामने और आपको कंपाउंड हाफ ईयरली करना है, तो आपको कर क्या सकते हैं ये चीज आपको बताना है क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। टाइमर अप करेंगे। मूलधन कितना है हमारा भैया? मूलधन हमारा 12,000 है। दर कितना है हमारा? दर भैया हमारा 20% है। कितना है तो आप बोलेंगे भैया 20% है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, टाइम कितना दिया गया, समय भी आप निकाल लो। समय दिया गया है 1 साल 6 महीना, ठीक है। इसको हाफ ईयरली कैसे बना सकते हैं, हाफ ईयरली कैसे? तो इसको हाफ ईयरली अगर बनाने जाएंगे तो 6-6 महीना का होता है। एक साल में क्या करते हैं हाफ ईयरली बनाने के लिए, 12 महीना को 2 से डिवाइड, तब भी 6 महीना आता है। यानी यहां पर कितना 6 महीना है, 3-6 महीना है, 3। यानी 6-6 महीने पर ब्याज मिलेगा, तो मान कर चलते हो 3 साल मान लेते हैं, ठीक है। अब दर को क्या करना है, दर को बट्टा 2 करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब आप सभी को पता है जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अगर 3 हो साल में और 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होता है प्रतिशत, 33.10%। ये 12,000 का 33.10% निकाल दो, आंसर हो गया। बहुत सारा तरीका है करने का, एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, सब तरीका बताऊंगा। ये कैसे आया, पहला क्लास देखी होंगे। 2 साल कैसे निकालते हैं स्टार्टिंग के 6-6 महीने का, तो दर कितना है 10 + 10 + 10/10/100, ये तो पता है आपको, ये 1 हो जाएगा, यानी 2 का होगा 21%। अब 6 महीने के लिए बात का, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 21 + 10 + 21 × 10/100, तो कितना हो जाएगा 33.10%। पहला क्लास में एक एक चीज समझा चुके हैं, तो अगर 3310% अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना होगा आपका 1200, 2400, 3600 और 120 × 3 कितना होगा आपका 360, 3960 और 10, यानी 3972 बोल सकते हो, हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो ये है और ये बहुत स्पीड बनता है, बहुत स्पीड। अगर आपने पहला क्लास देखा है तो आप डायरेक्ट बोलोगे 1 साल 6 महीना है और हमको अर्धवार्षिक छमाही बोला है, तो 3 साल हो जाएगा 6-6 महीना, या 6-6 महीना पर इसको आप डायरेक्ट क्या मान लोगे 3 साल, और इसको बट्टा 2 करेंगे 10% के हिसाब से, 3 साल का क्या होता है चक्रवृद्धि प्रतिशत, तो इतना होता है, ये सभी को पता है, तो डायरेक्ट इसका निकाल देंगे। एक तरीका और आप देख लो, एक तरीका और जो वो भी लाजवाब है, 10% को हम फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं 1/10, और आपको बता चुका हूं नीचे वाले को क्या मानते हैं हम मूलधन, यानी 10 के ऊपर 1 का ब्याज मिला, यानी 10 रुपया था ब्याज कितना हो गया 11, दूसरे साल भी 10 रुपया था ब्याज कितना हो गया 11, तीसरे साल भी 10 रुपया था ब्याज कितना हो गया 11। कितना मूलधन हुआ यहां पर 10 10 10 करेंगे तो 10 × 10 100, 100 × 10
1000 रुपया मूलधन पर कितना ब्याज मिल रहा है, 11 को 3 बार गुना करेंगे तो 1331 होगा। यानी 1000 रुपए पर 1331 मिल रहा है, 1000 रुपए पर 1331 मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, 331। तो इस 1000 को 12000 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे 12 से गुना करना पड़ेगा भैया, तब ये 12000 बनेगा। तो इस 1331 को अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही आंसर आएगा आपका 3972। जो मैं आपको ये समझा रहा हूं, इतना करवा रहा हूं ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, जित्तू भैया पहले क्लास में मुझे बारीकी से समझा चुके हैं एक एक चीज कि अगर 10% हमारा दर है तो 3 साल का भैया याद करवा दिए हैं 33.10% होता है, ये तो याद करवा दिए हैं, तो डायरेक्ट इसका ये निकाल दो, आंसर निकल गया, ऑप्शन भी रहेगा आप सभी के सामने तो आंसर हो गया। या फिर इसका अगर ये पता है 10 पर 11 तो मूलधन 1000 पर इतना मिल रहा है, यानी 1331 पे ज्यादा मिल रहा है 1000 पर, 1000 को 12000 कैसे बना सकते हैं, तो 12 से गुना करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज जो मिला है 1000 पर इतना, इसको 12 से गुना करेंगे कितना होगा, इतना, तो इतना ब्याज मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको इतना बड़ा कर समझा रहा हूं ना, आपको पेन भी नहीं उठाना है। आप क्लियर देखोगे 1 साल 6 महीना है, यानी 6-6 महीने का 3 बार, यानी 3 साल का कैलकुलेशन करना है, हिसाब ऐसे करना, 20 को हाफ ईयरली 2 से भागा दो, दर को सिखाए 10%, 10% का 3 बार कितना होता है 33% 10, तो 12000 का 33.10% कितना होगा, 3972। काम खत्म। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन पर आओ। इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता किसी को भी पेन पेपर भी उठाने का जरूरत है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपने सवाल देखा है तो आपको यहां पर क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। पहला साल दर था 9%, दूसरा साल था 7%, तो 7000 पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, वही क्वेश्चन बार बार है, बस घुमा रहा है। पहले साल ब्याज था हमारा 9% और दूसरे साल ब्याज था हमारा 7%, तो 7000 पर हमें कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, तो पहला साल 9, दूसरे साल 7, पहला साल गुना दूसरे साल बटा 100 करेंगे, 9 7 16 63, यानी 16.63% निकालना है 7000 का। बोलो किसी को भी, मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, किसी को भी ये क्वेश्चन हार्ड लगा या समझ में नहीं आ रहा, भैया बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या भैया आप क्या करवा रहे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई भी मेरा भाई बहन है जो बोल सके, क्लियर निकाल दो 16.63% कितना होगा, ऑप्शन भी रहेगा, जो ऑप्शन नजदीक होगा मार देंगे, कैसे देखो 7000 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया 700 होगा हमारा 10%, दिमाग में करना, ये 5% इसका आधा कितना होता है 350, तो 15% तो भैया हमारा हो गया 1050, 1% कितना होगा 70, जोड़ो 70 कितना हो गया आपका 1120, 16% हो गया, और चाहिए कितना 3.63%, 1% का आधा कितना होता है 35, जोड़ो इसमें कितना होगा 5 3 2 5 1, 1155, ठीक है 0.3% है, ऑप्शन किस लिए, ऑप्शन देखकर सामने वाला लगा देंगे ना, 1164 आंसर होगा, क्लियर ना, कुछ नहीं करना है आपको, जो मैं ये चीज सिखा रहा हूं एग्जाम में, आप ये सब बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, आप बस ये तरीका याद रखना, 2 साल कैसे निकालते हैं, पहला साल जोड़ दूसरा साल प्लस पहला साल गुना दूसरा साल बटा 100, दिमाग में हो जाएगा 9 7 16 9 7 63, 16.63% निकालना है 7000 का, आंसर मार कर आइएगा, ये सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। अगला सवाल हमारे सामने ये है, 9 मंथ के लिए है 24000 रुपया क्वार्टरली बोला है, यहां पर बहुत जन जो है वो फंस सकते हैं, टाइमर तो पक्का दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 24000 फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंड क्वार्टरली, इसका आंसर आप सभी को बताना है जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। चलो
आंसर दीजिएगा इसका आप सभी। देखते हैं बिना ऑप्शन का क्लास प्रीमियर चल रहा है फिर भी आंसर कौन देता है। टाइमर आपका ऑन कर देते हैं। कंपाउंड क्वार्टरली बोला है ये आप याद रखना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 10% है 9 महीने के लिए कंपाउंड क्वार्टरली है 24,000 रुपए के ऊपर। ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन में जल्दी से। चौबीस हजार है 9 महीने के लिए कंपाउंड क्वार्टरली पूछा है। कितना है दर? 10% है। बताओ आंसर क्या होगा। आप सभी एक चीज याद रखना जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जो अंतर होता है वो कितना होता है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का फॉर्मूला वाला जो परसेंट आता है वो कितना आता है, तो एक्स इंटू वाई बटा 100%। ये आप याद रखना, आंसर निकल जाएगा। इतना हिंट्स दे दिए, कोई मेरा भाई अगर इसका आंसर निकाल कर बता दे जल्दी से। क्या बस सर थोड़ा दो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला। इसका आंसर भी आप सभी को बहुत स्पीड, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला और इसका आंसर भी बहुत स्पीड से बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले साल 15% है, दूसरे साल 10% है, अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2650 है तो मूलधन क्या होगा। अरे अभी बता रहे हैं पहला साल कितना है हमारा 15%, दूसरा साल कितना है 10% प्लस पहला साल गुना दूसरा साल बटा 100, 15 10 25 और ये 1.5 हो जाएगा, यानी 26.5% जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत है। और सवाल में इसको पैसे में कितना दिया है, तो 26.5% जो है वो कितने के बराबर है, 2650 के बराबर है। मूलधन यानी 100% का मान पूछा है। आप बोलो किससे नहीं बनेगा, आप बोलेंगे 1% बराबर भैया 100 होगा, तो 100% का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 10,000 होगा। आंसर हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला, इसका आंसर बहुत स्पीड तरीके से आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है बस क्वेश्चन को घुमा रहा है। कितना बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 115.92 7% के दर से 2 साल के लिए, तो पहला साल भी 7, दूसरा साल भी 7, पहला साल गुना दूसरा साल बटा 100, 7 × 7 = 14 यानी 14.49% बराबर 115.92 कितना बार में जाएगा, तो देखेंगे 14 × 7 = 84, 14 × 8 = 8 बार में, ठीक है। तो ये आपका एक जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 100% का मान, तो 100% का मान हमारा 800 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया पानी की तरह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला है, इसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। सवाल क्या बोला है, मूलधन कितना होगा अगर जो दर है वो 9% है 2 साल के लिए। एक चीज और याद रखिएगा आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, जब भी बोले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर दिया हो,
तो इसका परसेंट कैसे निकलता है इन दोनों का परसेंट? तो इन दोनों का परसेंट निकलता है पहला साल गुना दूसरे साल बट्टा 100%। जो परसेंट आएगा वो सवाल में उसके बराबर होगा। तो दर तो 9% है ना, यही है। तो पहला साल गुना 9, दूसरा साल गुना 9 बट्टा 100%, तो 9×9=81 होगा। कितना होगा? 81, ठीक है। 81 बट्टा 100 और तो कितना हो जाएगा, और ये परसेंट में है तो कितना हो जाएगा, 0.81% बराबर सवाल में दिया गया 81। इनका प्रतिशत का कितना है अंतर? इतना। और इन दोनों का सवाल में अंतर कितना दिया गया? 81। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो 100% का मान क्या होगा? आप बोलेंगे भैया सिंपल तरीके से निकल गया, भैया सिंपल तरीके से। अब देखोगे एक चीज कि इसको सॉल्व करोगे, अब देखो बोलेंगे भैया ये भी सॉल्व नहीं करने आ रहा है। देख लो, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, और ये हटाएंगे तो 100 नीचे और जाएगा, ठीक है। तो इसको क्यों ना डायरेक्ट मैं यहां पर दोनों 100 लेकर आ जाऊं और इस 81 से 81 को काट दूं, तो 100×100 कितना होता है? आप बोलेंगे 10,000 होता है। तो मान कितना हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल? वो हो जाएगा 10,000। सिंपल क्वेश्चन है, बस आप ये याद रखना चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो प्रतिशत होता है वो ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है आप सभी का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन भी आप सभी का बहुत आसान है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करिएगा आप सभी। बोला है आप सभी को अगर दर 20% दिया गया है एक साल 6 महीने के लिए, और इनका जो अंतर है वो कितना दिया गया है आपका 1450, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, मूलधन कितना होगा। इसमें किसी को भी हार्ड लगना नहीं चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। आप देखो आपको दर कितना दिया गया है, टाइमर पहले देखूंगा। आप बोलेंगे भैया हमको ट्राई करने का समय नहीं दे रहे, तो आप एक बार बिना ऑप्शन के ट्राई करना इसका आंसर आप सभी क्या, लेकिन ट्राई करना है, ये नहीं कि नहीं, आप सभी को ट्राई करना है। क्वेश्चन आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलो आपको और 30 सेकेंड का समय इस क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको दिया जाएगा। जल्दी से आंसर बताना आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जल्दी से। 1450 रुपया अंतर है और 20% एक साल 6 महीने के लिए। बीस परसेंट एक साल 6 महीने के लिए, एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 1450। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? अभी मैंने अगर आपको समझाया एक चीज कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, तो आपको मैंने बताया भैया बहुत सिंपल तरीके से निकल गया हमारा। आप ये बोल सकते हो कि एक साल 6 महीना दिया गया है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला टाइमर अप कर दो, अगर आप एक बार फॉर्मूला बता दिए तो उस फॉर्मूला पर ही हम काम कर सकते हैं। देखो अब आप बोलोगे भैया 2 साल नहीं है 6 महीना, अरे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। देखो मैंने आपको इतना बता दिया है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर का फॉर्मूला होता है पहला साल गुना दूसरा साल बट्टा 100% होता है। तो पहला साल दर कितना लगेगा? 20% पूरा, ये परसेंट नहीं लिख रहे क्योंकि बाद में परसेंट है, गुना। दूसरा साल दर कितना लगेगा? दूसरा साल 20% नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ 6 महीने के लगाना है, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा हमारा? 10%। पूरे साल का 20% है तो 6 महीने का कितना दर लगेगा? 10%। तो 20/10/100% हो गया सवाल, यही चीज आपको समझना था। तो कितना हो जाएगा आपका? 200/100%। तो आप बोलेंगे भैया 2% बराबर दिया गया है 1450,
तो 100% का मान पूछा है भैया, ये तो आराम से निकल जाएगा ना। मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई, 2% को 100 कैसे कर सकते हैं, 50 से गुना करो, ये हमारा हो जाएगा 100%। तो इसको 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 145, 550 72, ठीक है 72,000 आपका 14 5 70 हो जाएगा, और 5 5 25 यानी 72,500 बोल सकते हो हमारा मूलधन। देख रहे, यहीं पर आपको अगर मैं नहीं बताता तो आप नहीं कर पाते, आप बोलते 1 साल 6 महीना दिया गया है, अरे क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया है ना, पहला साल गुना दूसरा साल, तो पहला साल पूरा 20% लगेगा और दूसरा साल 6 महीना यानी दर का आधा 10% लगेगा, तो 1 साल 6 महीना आंसर आप सभी के सामने। अगला सवाल, हाँ ये सवाल आप सभी के एग्जाम में बना है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा ताकि आप सभी ट्राई कर पाओ, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला, और इतना भी बड़ा नहीं करूंगा कि मैं आंसर ही ना कर पाऊं। चलो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है, देखोगे तो बहुत बड़ा बनेगा लेकिन सोचेंगे तो बड़ा नहीं बनेगा। सवाल में क्या बोला है, कोई भी धनराशि कम से कम कितने वर्ष में अपने दोगुना से अधिक हो सकती है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितने साल में, अगर चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 20% हो तो, ध्यान से क्या बोला है, ये 100 रुपया जो है दिख रहा है ना, ये 200 रुपए से ज्यादा, डबल से ज्यादा कितने साल में हो सकता है अगर चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 20% हो तब। थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे कैसे भैया, देखो बाबू मेरे भाई एक चीज देखो, 100 रुपए को 200+ रुपए ले जाना है तो कितने साल में होगा, नॉर्मल समझो अगर 100 रुपए है तो पहले साल इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 20 रुपया, दूसरे साल कितना मिलेगा, 20 रुपया, तो 2 साल में और दूसरे साल इसके ऊपर ब्याज मिलेगा तो 20% 4 रुपया, तो 2 साल में मेरा पैसा कितना बना, हिसाब करो 144 रुपया, यानी 2 साल में भी 200 से अधिक नहीं जा रहा है, तो तीसरे साल भी इस पर हमें 20 रुपया मिलेगा, तीसरे साल हमें ब्याज मिलेगा इस पर 4 रुपया, इस पर 4 रुपया, इस पर 20%, तो आप जितना भी मान लो, पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, लेकिन देखो 3 साल में भी हमारा 200 पार नहीं हो रहा है, 20 40 60 12 72, 172 रुपया कुछ, 172 कुछ बन रहा है 3 साल में, यानी 3 साल में आंसर नहीं होगा, अगर 4th साल में जाते हैं और 20 लगाते हैं तब पैसा कितना बन गया, अभी ब्याज छोड़ दो तो 180 192 बन चुका है, इस पर 20% 4, इस पे 20% 4, इस पर 20% 4, अब तो 200 रुपया हमारा पार हो गया, यानी कितने साल में जो मूलधन है वो अपने डबल से ज्यादा बन रहा है, यानी 100 200 ज्यादा बन रहा, तो 4 साल में, ये आपको समझना पड़ेगा ये चीज आप सभी को जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, बहुत सिंपल, लेकिन ये चीज आपको अभी और लंबा जाएगा, फिर 4 पर ब्याज करोगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल समझो, आसान सवाल बनेगा ये वाला। अगला सवाल आज का सबसे लाजवाब सवाल, और जब मैंने खुद देखा मुझे विश्वास नहीं आया कि रेलवे ऐसा क्वेश्चन पूछा है, देखो ये वाला सवाल, आप सभी आंसर बताना और मैं टाइम दूंगा आप सभी को ना, कम से कम मैं 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, और जब सुबह में क्लास चलेगा तो मैं देखूंगा इसका आंसर कौन दे पा रहा है। चलो टाइमर ऑन करते हैं, 1.5 मिनट का समय आप सभी के पास है, आंसर बताना, सवाल समझा दे रहे हैं। 78,060 रुपया है जिसको 2 व्यक्तियों में बांटना है, ए और बी में, ए को ऐसे बांटना है कि जो ए का हिस्सा है ना वो 3.5 साल के बाद बी के हिस्से का 4.5 साल के बाद बराबर है, यानी जो ए को हिस्सा मिल रहा है वो 3.5 साल में उतना अमाउंट मिल जा रहा है जो बी को 4.5 साल में मिल रहा है, और दोनों का बराबर है, तो आपको बताना है बी को कितना हिस्सा मिला है। कोई मेरा भाई इसका आंसर बता दे, तुक्का नहीं मारना है, एक लाजवाब तरीका बताऊंगा, ट्रिक,
इस क्वेश्चन को ट्रिक के सहायता ही सॉल्व किया जा सकता है, वरना अगर प्रोसेस में जाओ तो लंबा बनेगा, बोर्ड भर के आएगा। ट्रिक के सहायता से सॉल्व करना है और समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है जब मैं समझाऊंगा तो। चलो मैं अभी, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपका कॉमेंट चेक कर रहा हूं। पहले आंसर इसका कौन देगा ये मुझे पर्सनली देखना है, पर्सनली। क्या बात है भाई, चलो मुझे जितना भी आंसर आ रहा होगा तुक्का ही आ रहा होगा। समझना सवाल को, एक चीज समझना आप सभी, पैसा कितना है। पैसा है भैया, सवाल एग्जाम में कैसे करना वो देखना। ये तो आप लिखोगे नहीं ना, 78,060 रुपया, ये तो लिखोगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए, नीचे थोड़ा लिखते हैं ताकि सवाल सॉल्व करें, ठीक है। और दर कितना दिया गया है, दर दिया गया ना, दर दिया गया है आपका 8%, 8% दिया गया है, वो भी अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक होता है तब हम दर को क्या करते हैं भैया, आपने बताया है बट्टा दो करते हैं, दर कितना हो जाएगा 4%। क्लियर है ना। अब मान लो ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए को जो पैसा मिल रहा है वो कितने दिन में हो जा रहा है, तो 3.5 साल में, और बी का 4.5 साल में। क्लियर ना, ये चीज क्लियर ना। इन दोनों का पैसा अमाउंट हो जा रहा है, अमाउंट, अमाउंट मतलब पूरा ब्याज व सब मिलाकर इसका इतना साल में जितना पैसा मिल रहा है, इसको उतना पैसा करने के लिए 4.5 साल का समय लग रहा है, तब जाकर दोनों का पैसा बराबर हो रहा है। तो इस सवाल में आपको हमेशा याद रखना है एक ट्रिक, आप ये देखना कि इस कितना समय कितना ज्यादा लग रहा है। तो समय ज्यादा लग रहा है भैया हमारा 1 साल, 1 साल का ज्यादा समय ले रहा है बी पैसा को बराबर करने के लिए, 1 साल का। 1 साल का मतलब अर्धवार्षिक, छमाही में क्या करते हैं 1 साल को बटा दो करते हैं, यानी 6-6 महीने का हिसाब करते हैं, ठीक है ना, 6-6 महीने का हिसाब करते हैं, पता होगा 6-6 महीने का हिसाब करते हैं। अब देखो यहीं पर एक चीज समझ में आ गया, नॉर्मल चीज समझना जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। ये 4% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/25, ठीक है, 1/25। अब यहां पर समझना है इसको पैसा क्या मिलेगा, इसको पैसा क्या मिलेगा, ज्यादा के कम। आप बोलोगे भैया इसका जो मूलधन है ना भैया, इसका जो मूलधन है वो हमारा, आप बोलोगे भैया ज्यादा है, इसका मूलधन ज्यादा है तभी तो इसका पैसा 3.5 साल में ही जो है वो इसके बराबर हो गया, 4.5 साल में, यानी इसका पैसा ज्यादा है इसका पैसा कम है, इसीलिए इसको 1 साल ज्यादा समय लग रहा है। ये चीज क्लियर। तो नॉर्मल आपको काम करना है, अंतर कितना हो गया आपका 1 साल का। अब क्या मानना है, इसको मिटा देते हैं दोस्त, 6-6 महीने पर हिसाब करना है। नीचे वाले को क्या मानकर चलते हैं, प्रिंसिपल, 25/1 का ब्याज 26, यानी इसको मान लेना है 26, इसको मान लेना है 25, और 6-6 महीने पर तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, इसका स्क्वायर 625। आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इस चीज को आपको बहुत प्रेम से समझना है, वरना बोलोगे भैया यही पर हम सभी को जो है वो डाउट आ गया, ठीक है। अब माइनस बोल रहे हैं, यहां प्लस होगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़कर इतना बन रहा है, तो दोनों को जोड़ें कितना होगा, 6, 6, 12, 25, यानी 1301 रुपया। ये 1301 कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे 78,060 के बराबर है, ठीक है। तो 13 7 13 13 78 60, तो 13 5 13 6 78, ठीक है, 13 6 78, यानी 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, वो हमारा 60 के बराबर है, दिख रहा है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करूंगा ताकि आप सभी दिख पाओ, 1 मिनट, बिल्कुल 1 यूनिट जो है वो हमारा 60 के बराबर है, क्लियर दिखाई दे रहा है, 13 6 78, 1 यूनिट जो है वो हमारा 60 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 60 के बराबर है तो आप देखो ये 625 का मान कितना होगा, अगर 1 यूनिट 60 के बराबर है तो आप बोलेंगे अगर 1 यूनिट 60 के बराबर है तो 625 का मान कितना होगा, ये आपको निकालना है।
आप बोलेंगे 37,500 रुपया जो है वो बी का मूलधन था। ये तरीका आपको अपनाना है एग्जाम में, जो अभी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एक बार हट जा रहे हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, वरना आप बोलोगे भैया क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, ताकि आप सभी क्लियर कर पाओ, ठीक है। और एक बात आराम से समझना, स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे सवाल अगर आता है दोबारा क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, बिल्कुल मिटाकर। इतना आपको समझाने में टाइम लगा, बिल्कुल नहीं करना है। एक बार समझ गए, सवाल समझ गए, काम खत्म। कितना था मूलधन? 78,060 रुपया, ठीक है। कंपाउंड अर्धवार्षिक बोल रहा है आपको चक्रवृद्धि, तो वो दर कितना है? 8%। कैसे करते हैं दर को? आधा करते हैं, 4.5%। इसको क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/25। क्लियर है ना? अब ए का जो पैसा, ए और बी है, ए का पैसा जो है, जो भी मूलधन था, उसका चक्रवर्ती ब्याज मिलाने के बाद 3.5 साल में जो पैसा बन रहा है, इसके मूलधन पर जो ब्याज मिल रहा है वो 4.5 साल के बराबर हो रहा है। यानी इसका पैसा कम था, इसका पैसा ज्यादा था, तभी तो इसको इतने समय में उतना पैसा मिल गया और इसको 4.5 साल में मिल रहा है। यानी कितने साल के अंतर है? 1 साल का। 1 साल को छमाही मतलब 2-6 महीना, 2-6 महीना का मतलब आप क्या करना है यहां पर, आपको नीचे वाले को प्रिंसिपल, यानी इसका पैसा कितना था? कम था, 25, 25 पर 1 आपका 26, 2-6 महीना 26 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 होता तो 3 26 का क्यूब करते, इसका 676, इसका 625, दोनों को मिलाने के बाद 1301 हो रहा है। 1301 किसके बराबर है? 78,060 के बराबर है। 13 × 6 = 78, तो 1 का मान 60 हो गया, तो 625 का मान कितना होगा आपका? 37,500। कोई टीचर अगर इससे शॉर्ट बता दे, बहुत सारे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं बहुत सारे जन को क्वेश्चन तो समझ में आया ही नहीं होगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप कर ही नहीं पाते। देखो अब बोलने से फायदा नहीं है कि भैया कर लेते हैं, मुझे पूरा लगता है कि 90% लोग जो है इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते, लेकिन अब अगर आ गया रट लेना और ये चीज आप लगा देना एग्जाम में, बोलना भैया कर कर आए हैं एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला था ना, जब मैं पेपर, हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने सीजीएल लेवल में बहुत बार देखे हैं, मैंने सीजीएल में देखा है, सीपीओ में देखा है, वो भी मेंस के पेपर में, प्री में नहीं, लेकिन रेलवे 2019 में ये क्वेश्चन, आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि लेवल कैसा है, खास कर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। शाम को आज 6 बजे आपको इंस्टॉलमेंट का ही क्लास करवाएंगे, बहुत बारीकी से कंसेप्ट समझाते हुए प्लस ट्रिक के साथ, लवली ट्रिक है। तो शाम को 6 बजे हमारे साथ आप सभी जुड़े रहिएगा, ताकि इंस्टॉलमेंट भी आपका क्लियर हो पाए। पहला वीडियो जरूर देखना, आप बोलोगे भैया पहला वीडियो देखने के बाद, हो सके आज का वीडियो हमें थोड़ा समझ में आया, लेकिन पहला वीडियो देखने के बाद ना आज का बहुत सारा चीज हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर कहानी के बीच में घुसेंगे तो बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, यानी कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है वो अभी क्लियर हो गया है, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी मैथ का क्लास शाम को 6 बजे आएगा, ठीक है। चलिए